देश में यह तीसरा अजूबा मोदी सरकार में राज्य में ऐसा कार्यक्रम किया गया है। एक बता दें कि आज ही 5 अगस्त से आज ही के दिन 370 की धारा आ गई थी और आज ही के दिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या जो भूमि पूजन था जो विवादित अवसर बराबर रहा है, बातों में जा रहा है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ बताता है किया जा रहा है सिंगोड़ी के विधायक है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही खुशी की बात है देशवासियों के लिए। इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं तिवारी जी? आज हिंदुस्तान के सभी नगरवासियों के लिए जीवन का सबसे ज्यादा हर लोग का दिन है। आज के दिन पूरे देश में दिवाली के रूप में मनाई जा रही है। हमारे आदर्श प्रभु श्री राम आज टेंट से बाहर निकलकर मंदिर में जो आज भूमि पूजन हो जा रहा है उसमें भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और आज हम हिंदू होने के नाते बहुत गर्वान्वित हैं कि हमारे देश में सनातन धर्मियों का आज सबसे बड़े आदर्श हमारे मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे कई स्थान अभी भी हैं जहां पर भगवान कहें तो सीधे शब्दों में कहें तो कष्ट में हैं, जैसे मथुरा की बात ना रस्तों भगवान अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा बाकी है। ये कब तक में माने
निरंतर हम लोग लगातार प्रयास कर चलता रहा है। हम लोग का उद्देश्य ही रहा है कि तीनों हमारे जो मुख्य तीर्थ स्थान है इनको हमको मुक्त कराना है। एक एक स्थान को हम लोग ने मुक्त कराया, अगला पड़ाव हम लोग का काशी मथुरा की ओर बढ़ेगा, पूरा देश इसमें हम लोग के साथ खड़ा होगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है और आप सभी देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से आज जिस तरह से भगवान राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया देश के प्रधानमंत्री द्वारा और तमाम काफ़ी सारे साधु संत भी थे, तो ये बहुत ही आज यहाँ पे हर्ष मनाते हुए लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हैं और सिंगरौली विधायक भी हैं, तमाम नेता हैं जो आज बड़े हर्ष में हैं और इसको बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। देख पा रहे हैं किस तरह से पूरा दीपोत्सव कर रहे हैं। हम अभी इसी तरह प्रयास करते हैं कि जो भी और नेता उनसे हम बातचीत करने का। तस्वीरों आप देख पा रहे हैं किस तरह से कमल के आकार का दीपोत्सव बनाकर उसने बहुत ही पूरे भारतवासियों के लिए हमें लगता है बहुत ही गर्व का विषय है आज। ये देखिए तस्वीरों में कितना अध्यक्ष जी से हम कुछ रूबरू होते, ये निश्चित ही हर्ष का विषय है, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि जो 492 वर्ष में हमारे देश के आज़ाद होने के बाद भी हम रामलला उस भूमि पर रामलला का मंदिर स्थापित नहीं कर पाए थे, आज इस भारतीय जनता पार्टी के इस मोदी टू के एक वर्ष पूर्ण होने पर ऐसी ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हम सबों ने हासिल किया है। जैसे कि पिछले 5 अगस्त को ही यहाँ पर इस देश में 370-35 से जो कि देश के आज़ाद होने के बाद हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिसके पीछे अपना बलिदान दिया था वह 370-35 को समाप्त किया गया
और आज पुनः रामलला मंदिर का भूमि पूजन करके इस पूरे देशवासियों को आज यह पूरा देश अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत दिनों बाद हम लोग यह मान रहे हैं कि आज हम सब लोग इस हिंदू राष्ट्र में स्थापित हैं। आज हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो कि हमारे पूर्वजों ने की थी, आज यह रामलला का मंदिर बन करके आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज हमारे माननीय अमित शाह जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा या माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो खुशी की लहर दी है, मैं इस सिंगरौली वासियों की तरफ से उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देख दीजिए जो ऑन जगह अभी मंदिरों पर ऐसे कई जगह है जहाँ लगता है अतिक्रमण, उनपे कब वो आ जाते हैं, वहाँ से कब भगवान आ जाते होंगे। जैसे हम मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, एक कहीं नर बोलिए जैसे कि मथुरा हो गया, काशी हो गया, ऐसे तमाम अभी कई जगह हैं जहाँ भगवान अभी आप लोग देखते जाइए। जिस तरीके से विरोधी लोग बोलते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, लेकिन आज डेट भी बता दिया हमारे यशस्वी राष्ट्र के प्रधानमंत्री, और मंदिर भी आज भूमि पूजन हो गया। इसी तरीके से वो भी जल्द साल हो जाएगा और आने वाले समय में पूरे विश्व के हमारे देश में जो हमारे देश के लोग रहते हैं वो इसी तरीके से देश को हमारे आगे विकास के लिए आगे बढ़ाएंगे और ये सुख शांति बढ़ती रहेगी। विधायक जी, इस हर्ष के विधायक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही खुशी की बात है देशवासियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? आज इतनी खुशी है, ये जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, अयोध्या में राम के मंदिर बनने के लिए काफी दिनों से विवाद चल रहा था। निर्णय के बाद माने जब देश के तमाम चुनाव में वादा होता था हम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, पर क्रमशः देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया इस देश को, तब यह नारा प्रफुल्लित हुआ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को उन्होंने केंद्र शासित राज्य बनाया, सुनता दी, उसी तरह आज 5 तारीख को यह समय निश्चित हुआ, आज के देश के लाकर आधार रखेंगे। नेताओं की उपेक्षा पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि लाल की आडवाणी जी हो गए, उनको भी किसी को उपेक्षा नहीं हुई है, क्योंकि सबने अपने अपने उमा भारती जी भी उस टाइम पे थी, लेकिन इस समय देश में महामारी का चल रहा है, हम लोग यहीं से ऑनलाइन होम पूजन में शामिल होंगे और हम लोग वहाँ इस तरह से हुआ है कि कोविड बीमारी के चलते ही माननीय गृह मंत्री जी के चलते उमा भारती जब नहीं आ रहे हैं, तो हम सब भी इसी तरह दूर रह के भी मनाएंगे, और जिनको मुख्य भूमि पूजन करना है और आज देश के आज के माननीय मोहन भागवत जी साक्षी हैं, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा उसके लिए लड़ाई भी विधायक जी, एक आखिरी सवाल, जो जो मथुरा हो गया, काशी, तमाम ऐसे जगह हैं जहां आज भी भगवान उतने जहां जैसे कभी अयोध्या से हम कंपेयर करते उतने स्वतंत्र नहीं, तो इन पे कब ये स्वतंत्रता कभी दिलाई जाएगी? क्या क्या होता है अब यही तारीख याद रखिए। चलिए, ये विधायक जी आप सुन पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो अपने अपने तरह से हर्ष व्यक्त करते हैं। निश्चित ही ये चलिए हम पूर्व निश्चित ये हर्ष का विषय है पूरे देशवासियों के लिए, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर आप? आज जो आज सिंगरौली नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व के जो लोग हिंदू जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ अपने घर पे देख बैठ के इस प्रधानमंत्री जी ने जो भूमि पूजन किया अति उत्साहित है। आज पूरे देश के कोने कोने के हिंदू जो बहुप्रतीक्षित
इंतजार कर रहे थे, जिनमें हमारे हजारों हजार ऋषि मुनियों ने अपना सपना देखा था, कार सेवकों ने अपनी कुर्बानी दी थी, बहुत प्रयास के बाद जो आज 500 वर्षों के बाद वो दिन देखने को मिला है। आज पूरा हिंदू एक एक लड़का लड़के से लेकर पूरा जनमानस तक उत्साहित है। तो ये थे, एक बार देवेश पांडे से जुड़ने का प्रयास करते हैं। देवेश जी, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित ये पूरे समूचे भारत के लिए हर्ष का विषय, आप क्या कहना चाहते हैं? नीरज जी, आज पूरा भारतवर्ष खुशी के अनुभूति में बहुत ही खुश है। जैसा कि आप राम भगवान का नाम ही मोक्ष का रूप आप चाहे कह लीजिए, चाहे मानव जीवन में जीवन जीने का कह लीजिए, राम भगवान का आज अयोध्या में जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का भूमि पूजन उन्होंने किया है, आज पूरे भारतवर्ष में पूरे समाज के लोग, चाहे कोई भी धर्म जाति के, सभी खुशी मना रहे हैं कि जो राम नाम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिनको अनुसरण करके लोग अपना जीवन जीने का संकल्प करते हैं, ऐसे हमारे आराध्य उनका आज मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है। सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत धूमधाम से दीपक जलाकर पटाखे फोड़कर हम लोग हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना रहे हैं, और साथ में आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, अपने सिंगरौली वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? आज का यह बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसके सपने विश्व समुदाय के, हिंदू समाज के लाखों करोड़ों अरबों जन समुदाय स्वप्न देखा करता था कि कभी रामलला जी अपने घर में विराजेंगे कि नहीं। ये वजह की विवाद को खड़ा करके और एक जो टिकड़मबाजी किया था लोगों ने, आज उसको अच्छा सा जवाब मिला है। और रामलला जी के भव्य मंदिर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के दृढ़ संकल्प के कारण, इच्छा शक्ति के कारण पूर्ण हुआ है। मैं लाखों करोड़ों इस समुदाय को बधाई देता हूं, और वो मुझे याद है कि आज से 28 साल पहले जो हम लोगों ने एक नारा उड़न किया था कि मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, हम लोग आज उस सपने को पूरा करते हुए देख करके दिल गदगद है। निश्चित ही बहुत हर्ष की बात है, और हमें लगता है कि समूचे हिंदुस्तान में इस वर्ष जो यहाँ का माहौल है, यही माहौल पूरे हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि अब उस शाह को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता में उत्साह है। फिलहाल इस बातचीत को हम यही विराम देंगे।